नेपाल वर्सेज आयरलैंड T20 के सेकंड मैच का जो अंजाम था वो पहले मैच की तरह ही रहा। जी हाँ, यहाँ पर नेपाल ने फिर से आयरलैंड वोल्स पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ पर सोमपाल कामी का जो देखने लायक था वो थी बॉलिंग। तो यहाँ पर बात करें अगर नेपाल के बैटिंग की और बॉलिंग की, तो यहाँ पर बैटिंग का जलवा गुलशन झा ने दिखाया, वहीं सोमपाल कामी ने अपनी बॉल से आयरलैंड के प्लेयर्स के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पर कुशल ब्रुटेल ने 16 बॉलों के अंदर 25 रन बनाए और सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो गुलशन झा ने बनाया, 32 बॉलों पर 46 रनों का स्कोर, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल है। वहीं पर रोहित पोडेल ने 33 रनों का स्कोर बनाया, कुशल मल्ला ने 34 रनों का और संदीप जोरा ने 21 रनों की एक अपनी पारी खेली। तो आज बैटिंग के अंदर काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा, क्योंकि किसी भी प्लेयर ने आज कम रन है वो नहीं बनाए, ओवरेज स्कोर जो है वो सभी का अच्छा रहा। और वहीं पर अगर बात करें नेपाल के बॉलिंग की, तो पहले करण केसी और कुशल मल्ला जो थे वो छाए हुए थे बॉलिंग के अंदर, क्योंकि करण केसी ने 1 विकेट अपने नाम किया, वहीं 3 ओवर्स के अंदर कुशल मल्ला ने मात्र 15 रनों के नुकसान पर 3 विकेट अपने नाम किए। लेकिन सोमपाल कामी ने 18वें ओवर के अंदर गजब की परफॉर्मेंस दिखाई और यहां पर लगातार 3 विकेट यानी कि अपनी हैट्रिक जो है वो सोमपाल कामी ने पूरी की, जिस प्रकार से आप देख भी सकते हैं 18.1 ओवर के अंदर पहला विकेट, दूसरी बॉल पर दूसरा विकेट और तीसरे बॉल पर तीसरा विकेट जो है वो सोमपाल कामी लेने में सफल रहे। विवेक यादव ने अपना 1 विकेट लिया और इसी प्रकार से आयरलैंड ए टीम की 127 रनों पर मात्र 18 ओवर्स के अंदर ऑल आउट कर दिया। और वहीं पर नेपाल का स्कोर की बात करें तो 198 पर 7 विकेट के नुकसान पर यहां पर नेपाल का स्कोर रहा और एक बार फिर से नेपाल जो है ये T20 मुकाबला भी अपने नाम करता नजर आया। काफ़ी खुश नजर आए नेपाल के फैंस और नेपाल के खिलाड़ी। तो आपको क्या लगता है कि अगले मैचेस के अंदर भी नेपाल अपनी जीत बरकरार रख पाएगा या नहीं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।